हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि स्क्वायर फीट में डीप का क्या महत्व रहता है और किस प्रकार से स्क्वायर फीट निकाला जाता है। फर्नीचर का निकालना रहता है अथवा कोई भी सीलिंग का निकालना रहता है तो किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ये अलमारी रखा हुआ है, इसको मैं डीप का भी दिखा देता हूँ किस प्रकार से मेजरमेंट लेना रहता है। और सामने की साइड में यदि सादा वाला अलमारी रहता है उसका किस प्रकार से मेजरमेंट रहता है। आप जैसा सामने देख रहे हो, यहाँ पे अभी आपको मैं माप के दिखा देता हूँ। माप दो कितना है। अभी यहाँ से पहले हाइट देख लेना है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 7 फीट हुआ है, 84 इंची। अभी यहाँ से इसकी लंबाई देख लेते हैं, यहाँ पे हुआ 42, यानी ये जस्ट सामने की साइड में हुआ है। अभी माप, अभी 84 बाई 42 इंची, तो इसको गुणा करा देंगे। इंची है ये, तो उसको गुणा कराने में 3528 इंच आएगा। जो 3528 है उसको डिवाइड करना है 144 है। 144 है वो फॉर्मूला है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। और 144 से डिवाइड करेंगे 3528 को, 24.5 आएगा स्क्वायर फीट, यानी 24.5 स्क्वायर फीट आएगा। अभी 24.5 का जैसे रेट लगाना रहता है, एक विथ मटेरियल रहता है, एक लेबर रहता है, तो यहाँ पे जैसे लेबर रेट लगाना है 350 रुपये। यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो अलमारी का, मैंने आपको साइज़ पहले भी बताया था, इंच में लिया है 24 बाई 42, और इसमें जो फुट निकला था 24.5 निकला था, तो जैसे रेट लगाना है 350 रुपये। तो जो फुट आया 24.5 उसको गुणा करा देंगे तो 8575 कॉस्ट चला जाएगा। अभी जैसे डीप है, डीप का मैं बता देता हूँ कि आपको डीप किस सिचुएशन में लेना है। पहले तो यहाँ पे जैसे सामने देख रहे हो यहाँ पे डिज़ाइन है, और यदि साइड में भी डिज़ाइन आ जाती है तो पहले से ही जहाँ काम करते हैं उनसे अपने को बातचीत कर लेना रहता है कि इसमें डीप गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ भी शटर आ गए, यदि इधर भी ये अलमारी का शटर करवाना है साइड से, तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो डीप में चला जाता है। और जैसे फॉल सीलिंग हुआ, फॉल सीलिंग सीलिंग से नीचे उतर रहा है 3 इंची, तो उसका भी ऐसे में टेप घुमाया जाता है, डीप का यूज होता है। अभी यहाँ पे डीप का स्क्वायर फीट निकाल के देखेंगे। अभी पहले हाइट माप दो। अभी हाइट तो जो था वही था पहले का ही, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, ये 7 फीट हुआ, यानी 84 इंची। अभी डीप के लिए एक साइड का डीप ले रहे हैं, क्योंकि एक साइड में डिज़ाइन का यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कैमरा मैन नज़दीक करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 62 आया है। अभी यहाँ पे डीप है, वो भी मेथड इसी तरीके से इंची में लिया है माप, तो यहाँ पे 84 बाई 62 को गुणा करा देंगे तो 5208 इंच हुआ। और फिर उसको भाग करेंगे 144 से। इसका मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा किस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, आप कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। जैसे 5208 हुआ, 5208 को डिवाइड करेंगे 144, तो उसका जो स्क्वायर फीट निकला है 36.16। यहाँ से ऐसे पूरा, यानी यहाँ पे एल शेप में पूरा घुमाया और हाइट में घुमाया, तो इसका जो स्क्वायर फीट निकला है 36.16। अभी 36.16 है जो रेट है, यहाँ पे 350 लगा है लेबर का, तो फिर इसका जो कॉस्ट है 36.16 गुणा 350 करेंगे, यानी जो 36.5 है वो स्क्वायर फीट आ गया और 350 है वो रेट आ गया, तो इसका जो कॉस्ट चला गया है 12656। ये केवल मेथड है, और इसमें यदि आपका कॉस्ट कम या ज़्यादा रहता है उसके हिसाब से करना रहता है। जैसे यहाँ पे 350 किया है, जैसे 300 हुआ तो 300 के हिसाब से, यदि 370 हुआ तो 370 के हिसाब से कैलकुलेशन आपको करना रहता है। जो डीप का जो महत्व रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि डिज़ाइन आ जाती है आपकी, एक्स्ट्रा आ जाती है, अथवा सीलिंग है, जैसे ऊपर का फॉल सीलिंग है, ऊपर से यदि 4 इंची नीचे लटक रहा है, तो उसको पूरा ढाबे से लेके ऐसे एल शेप में पूरा घुमा देना रहता है। और जैसे पीओपी वगैरह का यदि फॉल सीलिंग रहता है, तो उसमें जो टक्कर रहता है 1.5 इंच का, वो रनिंग फिट में गिना जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे जैसे टक्कर रहता है पीओपी का, उसको रनिंग फिट में गिना जाता है। सो थैंक यू गाइज, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।